गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, सिक्स क्लास चैप्टर वन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो फूड जो है, फूड क्या होता है? भोजन जो हम करते हैं, सभी खाना खाते हैं डेली। आप सभी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते होंगे, उसके अंदर क्या खाया जाता है? फूड। लेकिन कभी क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आया कि वेयर डज इट कम फ्रॉम, यह कहां से आता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर के अंदर। हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? फूड। फूड के बारे में समझते हैं हम क्या होता है। इट इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं इस अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी जी रही हैं, सजीव हैं, जो भी, जैसे ह्यूमन बींग्स होता है, हम लोग सभी किसके अंदर आते हैं? ह्यूमन बींग्स के अंदर। और उसके अलावा और भी तो बहुत सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, जैसे हमारे एनिमल्स हैं, और क्या है, पेड़ पौधे हैं, और भी क्या है, जो कीट हैं और कीड़े मकोड़े, सभी किसके अंदर आता है? लिविंग थिंग्स के अंदर आता है। सभी को जीने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए। क्या चाहिए? फूड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भोजन और इंग्लिश में फूड। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज द बेसिक नेसेसिटी। बेसिक नेसेसिटी क्या होती है? मूलभूत आवश्यकता। क्या होती है? मूलभूत आवश्यकता, जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। ऐसी आवश्यकता जिसके बगैर हम जिंदा नहीं रह पाते। जैसे जल भी क्या है? बेसिक नेसेसिटी है। वैसे ही ऑक्सीजन भी क्या है? बेसिक नेसेसिटी। ऐसे ही फूड भी हमारा क्या होगा? बेसिक नेसेसिटी, जिसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते। इसलिए फूड की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ बेसिक नेसेसिटी ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। उसके बाद आ जाती है वैरायटी ऑफ फूड्स। हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल होता है, जैसे एग्स, जूस, ब्रेड, ये दाल, राइस, ये सभी क्या है? वैरायटी ऑफ फूड्स है। लेकिन वैरायटी ऑफ फूड को हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। मॉर्निंग में जो हम करते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट। और इसमें याद रखें, हमें हल्का खाना खाना होता है। ब्रेकफास्ट के अंदर हमेशा ही हल्का खाना खाया जाता है। आफ्टर दैट लंच एंड आफ्टर दैट डिनर। ठीक है, दोपहर को हम क्या करते हैं? लंच करते हैं। और रात के टाइम पे डिनर किया जाता है। और सुबह को ब्रेकफास्ट। ठीक है, और ब्रेकफास्ट के अंदर हम हल्का खाना खाते हैं, जैसे एग्स हो गया, जूस हो गया, या ब्रेड वगैरह हो गया। लेकिन लंच और डिनर दोनों के अंदर हम क्या खा सकते हैं? अच्छे से हम कोई भी खाना, राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल, फ्रूट्स, कुछ भी आप, ठीक है, खा सकते हैं। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि हम सुबह जब उठते हैं और हम ब्रेकफास्ट करते हैं, हमें ब्रेकफास्ट में हल्का खाना इसलिए खाना होता है, जैसे आप लोग स्कूल में आते हैं, अगर आप सुबह ही क्या कर लेंगे, हैवी फूड खा लोगे, तो आपका क्या होगा? आप जैसे ही फैन के नीचे बैठोगे आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए सुबह को कम खाना खाना होता है, हल्का खाना खाना होता है, जिससे आपको क्या हो, अच्छे से आप सुबह आप एनर्जेटिक उठते हो, सुबह सुबह आप फुल ऑफ एनर्जी के साथ उठते हो। ठीक है, और आप हल्का खाना खाओगे और फुल ऑफ एनर्जी के साथ आप काम करोगे। ठीक है, आप लर्निंग करोगे अपनी, और उसके बाद जैसे ही आपकी एनर्जी लॉस होगी काम करने के दौरान, फिर आएगा आपका लंच टाइम, और फिर से आप फूड खाओगे अच्छे से। ठीक है, तब आप थक चुके होंगे अच्छे से, तब आप फूड लंच को करोगे, तो फिर से आप एनर्जेटिक हो जाओगे जैसे ही आप भोजन खाओगे। ठीक है, उसके बाद रात को डिनर करते हैं, अच्छे से खा के सो जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी है वैरायटी ऑफ फूड। वैरायटी ऑफ फूड के अंदर तीन कैटेगरीज है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट के अंदर हल्का खाना, लंच और डिनर के अंदर हम राइस, दाल, चपाती, वेजिटेबल्स, एनीथिंग हम खा सकते हैं। उसके बाद बच्चों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड, फूड जिस मटेरियल से मिलकर बना होता है उसको बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ फूड। ठीक है, उसके अंदर, फूड के अंदर जो भी मटेरियल है वो, उन सभी को क्या बोला जाता है? इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, अब आप लोग जैसे दाल खाते हो, एग्जाम्पल है, दाल खाते हो आप लोग, तो आप क्या सोचते हो कि दाल हमारा फूड है, और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ? बच्चों, जब दाल बनाई जाती है उसके अंदर क्या क्या यूज किया जाता है? पल्सेस, हमारी जो दालें हैं वो यूज की जाती हैं। उसके बाद उसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है, साल्ट भी ऐड किया जाता है, ऑयल और
स्पाइसेस ऑयल के साथ उसमें तड़का लगाया जाता है और स्पाइसेस भी उसमें ऐड किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट, अपने अपने टेस्ट के अनुसार उसमें क्या डाला जाता है, स्पाइसेस और सॉल्ट डाले जाते हैं। तो बच्चों इन सभी से मिलकर क्या तैयार होती है, हमारी दाल। तो याद रहे दाल क्या होगा, हमारा फूड। दाल क्या होगा, हमारा दाल होगा हमारा फूड, ठीक है। और ये सभी हमारे क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे हमारे इंग्रीडियंट्स, क्या होंगे इंग्रीडियंट्स, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, आई होप आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इंग्रीडियंट्स ऑफ फूड क्या होते हैं, जो हमारा फूड है जिन जिन मटेरियल से मिलकर बनाया जाता है, ठीक है। हमारे फूड को बनाने में जो जो मटेरियल्स यूज होते हैं उन सभी को बोला जाता है इंग्रीडियंट्स ऑफ फूड, ठीक है। जैसे दाल को बनाने में हम पल्सेस लेते हैं, वाटर, साल्ट, ऑयल एंड स्पाइसेस। साल्ट और साल्ट का पता ही आपको, नमक। स्पाइसेस क्या होते हैं, मसाले, ठीक है। ऑयल क्या है, तेल जिसके अंदर उसको तड़का जाता है। और फिर आगे पल्सेस हमारी दालें होती हैं, उससे मिलकर हमारी दाल तैयार होती है जिसको हम खाते हैं, ठीक है। तो दाल होगा फूड और ये सभी क्या होंगे इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स। आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों इसको एक बार फिर से देख लेंगे और क्या करेंगे, अच्छे से मैं इसके बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनको आप सॉल्व करेंगे। थैंक यू, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आगे जो फर्दर टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।